हेलो स्टूडेंट्स, हम थर्मोडायनामिक चैप्टर का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम इस वीडियो में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर, खास करके मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर बात करेंगे। फिर थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इक्वल टू एनआरटी आपको पता है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखो, हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानते हैं, सिंपल है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है मेरी, चलो हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है मेरे को जो भी मास है, गिवन मास का हीट रिक्वायर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास बाय वन यूनिट, राइट, वन केल्विन वन डिग्री, राइट। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, हीट रिक्वायर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, मास से डिवाइड कर लो, वन केजी ऑफ मास का वन डिग्री से या वन केल्विन से बढ़ाना है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अभी अगर मैं यूनिट मास यानी वन केजी का, वन केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर वन डिग्री से बढ़ाने का है तो मेरे को कितना हीट लगेगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं वन केजी की जगह वन मोल बोलूं तो मैं बोलूंगा मोलर हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स, बाय वन डिग्री और वन केल्विन यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी जो बात करेंगे ये वाला वीडियो, हम मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, इसका ज्यादा यूज करेंगे। उसमें भी स्पेसिफिकली मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, सीपी और सीवी, इनका ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। अभी ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, ये क्या है, हीट रिक्वायर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल बाय वन यूनिट टेम्परेचर, वन डिग्री और वन केल्विन, राइट। तो ये हो गया मेरा मोलर हीट कैपेसिटी। ये मोलर हीट कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है ना, ऑयल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है, 1 मोल ऑयल का और 1 मोल वाटर का और 1 मोल मर्क्यूरी का, अलग अलग हीट लगेगा, ये बदलेगा तो ये बदलेगा, तो सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, ये तो वेल नोन है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, राइट। हो सकता है कि 14 डिग्री से 15 डिग्री करने के लिए अलग अमाउंट ऑफ हीट लगती है, 70 से 71 के लिए अलग लगती है, 60 से 70 के लिए अलग लगती है, 90 से 100 के लिए अलग लगती है, बट वो टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है वो माइनर होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा ना वो इतना ज्यादा वेरी नहीं करता, बट हाँ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। तीसरा जिसके ऊपर हम इस वीडियो में फोकस करेंगे वो है प्रोसेस पे, तो सी जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस ऑल्सो, डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। आप बोलोगे कैसे कैसे, चलो लेते हैं, मान लो ये पीवी, फिर से हम पीवी लेंगे, पीवी डायग्राम निकालेंगे, पॉइंट ए से मैं बी तक गया, बी तक गया, राइट, ये वाला पाथ से ऐसे कुछ गया, ये वाला प्रोसेस फॉलो किया, और एक प्रोसेस फॉलो किया मान लो ऐसे, राइट, तो ए एक्स बी और ए वाई बी, ऐसे दो प्रोसेसेस है, दो प्रोसेसेस है, तो ये जो दो प्रोसेसेस है, राइट, क्या अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखूं तो जो डेल्टा यू रहेगा सेम रहेगा, ए एक्स बी लो या फिर ए वाई बी लो, डेल्टा यू जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि स्टेट वेरिएबल है, ए में उसके पास एक फिक्स्ड इंटरनल एनर्जी थी, बी में एक फिक्स थी, आप कैसे भी जाओ बी में उतनी ही रहेगी, स्टेट वेरिएबल है वो, गिवन पॉइंट पे उसके पास एक ही वैल्यू होती है इंटरनल एनर्जी की, तो डिफरेंस भी एक ही आएगा, सेम आएगा, राइट। क्या वर्क सेम आएगा, वर्क क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व, तो क्या सेम है, नहीं, इसका जो एरिया है ए वाई बी का ये सिर्फ इतना है, इतना है, लेकिन ए एक्स बी का कितना है, इतना है, नॉट सेम है, राइट, ये तो सेम हो गया लेकिन ये नॉट सेम है, तो क्या ये सेम रहेगा, नहीं, नॉट सेम रहेगा, क्योंकि ये सेम नहीं है ना, ये सेम है, राइट, लेकिन ये तो बदला, इसका मतलब ये भी बदलेगा, अगर ये नॉट सेम है तो क्या सी सेम रहेगा, नहीं, ये तो नॉट सेम है, ये तो नॉट सेम है, इसका मतलब ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, राइट। अगर मैं इसको
अगर कांस्टेंट प्रेशर पे लेके जाओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मान लो ये प्रेशर पी है मेरा और ये वी है, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाओ, राइट, तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज किया है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो इस प्रोसेस के लिए जो मेरा सी होगा उसको मैं बोलता हूं सीपी, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। और अगर मैं इसको बी से सी लेके आता हूं, मान लो ऐसा, या फिर सी से बी जाता हूं, अब मैंने क्या किया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बदल रहा है, राइट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बदल रहा है, तो बीसी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ प्रोसेस वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट इज सीवी, सीवी, ठीक है, सीवी। अगर मैं इस फॉर्मूले में लिखूं तो क्या होगा, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीवी क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी, राइट। तो कितनी हीट लगेगी मेरे को, मेरे को लगेगी म्यू सी वी डेल्टा टी, इसको इधर लेके आया, राइट, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरे को कितनी हीट लगती है, एन सी वी डेल्टा टी, एन इज मोर, म्यू हर बार बोलने से अच्छा एन बोल देते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर पे क्या लगेगा मेरे को, सीपी को क्या डिफाइन करूंगा मैं, ऐसा चलो एन करते हैं उससे, एन डेल्टा टी, यानी मेरा जो डेल्टा क्यू लगेगा वो रहेगा एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू, राइट, ऐसे रहेगा, है ना। चलो सीपी सीवी के बारे में और थोड़ा बात करते हैं। देखो ये जो अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं ये मैं थोड़ा ओवरव्यू टाइप करूंगा, इसको काइनेटिक थ्योरी में अगले वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में करेंगे। अभी हम कुछ तो पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो इंटरनल एनर्जी है, जो डेल्टा यू है, राइट, इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी जो है यू, राइट, यू, देखो अगर कोई एक सिंगल है, सिंगल चीज है, कोई पार्टिकल है, राइट, एक स्पीयर है पकड़ लो, गोला है पकड़ लो, तो वो तीन डायमेंशन में मूव हो सकता है, तीन डायमेंशन में मूव हो सकता है, वो अलोंग एक्स एक्सिस जा सकता है, वाई एक्सिस जा सकता है, जेड एक्सिस जाता है, बीच में भी कहीं गया तो आप अलोंग थ्री एक्सिस उसका कर लोगे, तो वो तीनों डायरेक्शन में घूम सकता है एक सिंगल है तो। लेकिन अगर ये पेन टाइप का दो मॉलिक्यूल्स है, देखो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, जैसे O2 N2 हो गया, राइट, हीलियम हो गया, राइट, ये मोनो हीलियम जैसे मोनो एटॉमिक सिंगल एटम वाला हीलियम हो गया, जो जो आखिरी का तुम्हारा टेबल के हो गए सारे, तो उसमें थ्री डायमेंशंस होते हैं, तीन जगह वो घूम सकता है, उसको मैं बोलता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसके पास थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मोनो एटॉमिक के पास। अभी डायएटॉमिक क्या होता है, मैंने एक गोला पकड़ा मोनो एटॉमिक, वो गोला तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, गोला थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ये है डायएटॉमिक है तो डायएटॉमिक कैसे डंबल जैसा, राइट, ये पेन है पकड़ लो, इधर एक गोला, इधर एक गोला, बीच में कुछ नहीं, बीच में उनका वो बॉन्ड पकड़ लो, ठीक है, ऐसा गोला एक, तो ये तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, बराबर, ये इस तरफ जा सकता है, इस प्लेन में जा सकता है, ये इस प्लेन में जा सकता है, और ये इस प्लेन में जा सकता है, तीनों जा सकता है, प्लस ये रोटेट हो सकता है, ये ऐसा रोटेट भी हो सकता है, या फिर ये ऐसा रोटेट भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा भी रोटेट हो सकता है, लेकिन ये वाली जो रोटेशन है ना, जो अलोंग दिस एक्सिस, उसको हम इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि उस रोटेशन का जो एनर्जी आएगा, देखो एनर्जी कितना आएगा, जो भी उसकी वेलोसिटी रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तीनों डायरेक्शन का, राइट, इसमें भी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये रोटेशन का क्या करोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें तो आई ठीक है, इसमें भी आई ठीक है, लेकिन इसमें आई बहुत कम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है एम आर स्क्वायर, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आर बहुत छोटा है, तो इसको, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम रहेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कम रहेगा, हम इसको इग्नोर करेंगे, तो डायएटॉमिक को हम क्या बोलेंगे, डायएटॉमिक को हम बोलेंगे कि इसके पास पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम है,
5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जनरली यही तक रहता है मामला। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है स्पेसिफिकली, अगर नहीं दिया है सिर्फ डायटोमिक बोला है तो आप 5 लेके चलोगे। लेकिन अगर वाइब्रेट भी हो रहा है, ट्रांसलेशनल तो है ही, रोटेशनल भी है लेकिन वाइब्रेशन भी है, तो उसको 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। लेकिन वो तब तक नहीं लेने का जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा नहीं है वाइब्रेशन, राइट? अदरवाइज बाय डिफॉल्ट नो वाइब्रेशन। इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का हाफ एम बी स्क्वायर या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहेगा, राइट? यहाँ पे वाइब्रेशन का अलग फॉर्मूला है, बट हम उतने डिटेल में नहीं जाते हैं, वो काइनेटिक थ्योरी के चैप्टर में जाएंगे। इतना होता है, राइट? अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो बोलता है, एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है, पार्टीशन का स्पेलिंग ये हो गया होगा, जाने दो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है वो बोलता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं और ईच के लिए हाफ के बी टी एनर्जी होती है। के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, राइट? ईच मॉलिक्यूल का, दिस इज फॉर ईच मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है उतना इनटू हाफ केबीटी, यानी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का हाफ केबीटी, राइट? अगर उसके पास डायएटॉमिक है, नॉन वाइब्रेटिंग, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 5/2, अगर ये डायएटॉमिक है, ये वाला अगर है, तो इसकी जो इंटरनल रहेगी एक मॉलिक्यूल की, वो 5/2 केबीटी रहेगी, एक का हाफ, 5/2, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केबीटी। ये एक मॉलिक्यूल का हो गया, ये मॉलिक्यूल लेवल पे हो गया। एक मोल का क्या रहेगा? मोल के लिए क्या करोगे आप? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? तो एक मोल का जो रहता है वो आएगा आपका, ये मॉलिक्यूल हो गया। अभी मोल का क्या आएगा? मोल का आएगा आपका, आप इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? तो उतने मॉलिक्यूल्स हो गए, राइट? अब ये जो चीज है ना, Na इंटू के बी, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इस केस में 1 मोल के लिए मेरा आएगा, अगर नंबर ऑफ मोल होते तो n से मल्टीप्लाई करता मैं, नंबर ऑफ मोल से, बट एक मोल को पकड़ के लेके चल रहा हूं, पर मोल पर मॉलिक्यूल पकड़ के चल रहा हूं, तो 5/2 आरटी आएगा, 5/2 आरटी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या लिखा था? हमने बोला जब प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तब सीवी होता है उसका, ये अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सीवी होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर है, राइट, चलो सीवी के, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है तो मेरा वर्क डन कितना होता है? अरे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं है, पी डेल्टा वी वर्क होता है, डेल्टा वी जीरो है तो वर्क भी जीरो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क होता है जीरो। मतलब जो मेरा डेल्टा क्यू होता है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है, यानी पूरी की पूरी जो हीट है वो वर्क में ही लग जाती है, सॉरी वर्क जीरो होता है तो पूरी की पूरी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या टेम्परेचर बढ़ाने में खप गई, ठीक है। तो मेरा सीवी का डेफिनेशन क्या है? सीवी का डेफिनेशन है हीट रिक्वायर्ड, 1 मोल को एन लिखता हूं मैं, मोल को एन, डेल्टा टी, ये है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में तो सी का डेफिनेशन ऐसा है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम में ये जो डेल्टा क्यू है इसको डेल्टा यू लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट, कांस्टेंट वॉल्यूम में, है ना? तो फिर मेरा सीवी कितना आएगा? देखो ये यहां पे u by t क्या आएगा? 5/2 r u by t। अगर मैं 1 मोल का पकड़ के चलू, अगर मैं 1 मोल का पकड़ के चलू तो ये 1 हो गया, फिर मेरा ये 1 हो गया, राइट? इसका मतलब ये क्या हो गया? 5/2 r डायएटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक के लिए क्या आएगा? 3/2 r। तो ये जो है अगर आपने यहां से t निकाल दिया तो वो सीवी बन गया। मोनो एटॉमिक के लिए आपका सीवी जो रहेगा वो रहेगा 3/2 r, ये याद ही कर लो, हर बार कहां
ये सब करते बैठोगे, वैसे बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी। और सीपी जो आएगा वो क्या है, अच्छा और एक रिलेशन हम पढ़ेंगे, ये मोनो के लिए आएगा राइट, मोनो। और डाई के लिए सीबी जो आएगा वो आएगा 5/2R डाई विदाउट वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन, विथ वाइब्रेशन 7/2R हो जाएगा, यानी टी उड़ा दो क्योंकि यू बाई टी आपका हो गया राइट। तो इस तरह से ठीक है। अभी हम सीपी और सीवी का रिलेशन ढूंढते हैं, ठीक है। तो सीवी में एनसीवी डेल्टा वी इज इक्वल टू हिट रिक्वायर्ड, सीवी मोनोएटॉमिक 3/2R और सीवी डायएटॉमिक 5/2R, ठीक है। अभी जो सीपी और सीवी है इनके बीच में एक रिलेशन है। देखो सीपी और सीवी की बात कर रहे हैं हम राइट, व्हाट अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस, व्हाट अबाउट एनी अदर प्रोसेस। तो जितने प्रोसेस आप कर सकते हो ना उतने आप सीवी सीपी सीवी सी आइसोथर्मल सी एडियाबेटिक सी दिस सी दैट कितने भी कर सकते हो, देयर आर जितने प्रोसेस उतने उनके मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज राइट। बट सीपी और सीवी ज्यादा यूज होते हैं। देखो सी आइसोथर्मल क्या रहेगा, सी आइसोथर्मल अगर मैं कोशिश करूं लिखने की राइट, सी आइसोथर्मल क्या रहेगा, तो डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। अरे ये क्या हो गया, डेल्टा टी आइसोथर्मल में तो जीरो रहेगा, तो ये जो रहेगी तो इनफाइनाइट रहेगी, तो हाँ इनफाइनाइट रहेगी। एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू जीरो रहेगा तो एडियाबेटिक का तो जीरो रहेगा, बिल्कुल रहेगा राइट। हम जनरली सीपी सीवी के ऊपर ही फोकस करते हैं, ठीक है। चलो अभी सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये वाला रिलेशन हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर सिंपल है, फॉर्मूले लगाने के हैं राइट। तो सीवी का डेफिनेशन क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी राइट। सीवी के केस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन जीरो होता है। अगर वर्क डन जीरो होता है इसका मतलब मेरा डेल्टा क्यू जो होता है डेल्टा यू होता है, इसका मतलब सीवी को मैं डेल्टा यू, चलो एक मोल का पकड़ के चलते हैं राइट, वन मोल का पकड़ के चलते हैं, हर बार एन लिखने की इच्छा नहीं हुई मेरी, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम राइट। हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेकिन डेल्टा यू प्रोसेस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर प्रोसेस पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट वेरिएबल है, पाथ वेरिएबल नहीं है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीवी को, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली सीपी क्या आएगा राइट, सीपी कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात चल रही है अभी, फिर से वही वन मोल है तो ये ले लेता हूं मैं कांस्टेंट प्रेशर पे। अभी कांस्टेंट प्रेशर में क्या आएगा, कांस्टेंट प्रेशर में मेरा जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू रहेगा करेक्ट, तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी प्लस, ये सारा कांस्टेंट प्रेशर पे, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे, प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, ये भी फिर से इसका डेल्टा यू डेल्टा टी पांच वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको लिखता हूं ऐसे और इसको लिखता हूं सिर्फ डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, चलेगा लिख सकता हूं। ये मान लो मेरा वन हो गया, ये मान लो मेरा टू हो गया राइट, मेरे को चाहिए सीपी माइनस सीवी, तो मैं टू से वन सब्ट्रैक्ट करता हूं तो फिर मेरा सीपी माइनस सीवी कितना आएगा, अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो उड़ जाएगा, तो सिर्फ ये वाला बचेगा राइट, सिर्फ ये वाला बचेगा, क्या बचेगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे कुछ तो बचा है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन इज नथिंग बट कांस्टेंट वाला प्रेशर एंड पी डेल्टा वी लिख सकता हूं मैं, क्या मैं पी डेल्टा वी को, एक मोल की बात चल रही है, चलो एनआर डेल्टा टी लिख सकता हूं,
यानी आर डेल्टा टी लिख सकता हूं एक मोल की बात चल रही है तो, कांस्टेंट प्रेशर है ना। पहले था मान लो आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी, एक मोल की बात चल रही है, पीवी इक्वल टू आरटी है ना। दूसरे में क्या आएगा, पी वी प्लस डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंज हो गया, इस आर प्लस एन एन वन है, आर टी प्लस डेल्टा टी, एक दूसरे से माइनस करो आपको ये मिल जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूं, सिंपल है, करके देखो है ना। पी वी इक्वल टू आर टी, पी वी अभी वी प्लस डेल्टा वी हो गया और उधर आर टी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी हो गया, इसको एक्सपांड करो, पी वी इक्वल टू आर टी कट करो, आपको ये मिल जाएगा है ना, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो वो लिख देता हूं मैं, तो एन वन है तो आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, आर तो डेल्टा टी कट गया, आर तो आ गया मेरा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ये बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको राइट, ये बड़ा ध्यान। और एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो रेशियोज है इनके सीपी अपॉन सीवी गामा राइट, तो वो भी डायटोमिक मोनो एटोमिक का अलग अलग होता है, बट इट्स जस्ट अ रेशियो, उसका कुछ डेफिनेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ रेशियो ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं स्टेट वेरिएबल्स के बारे में, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स हम पढ़ चुके हैं वैसे पिछले वीडियो में राइट। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल्स जो एक स्टेट डिस्क्राइब कर सके कंप्लीटली राइट। उसको चलो ये वाला मान लो मेरा पीवी कर्व है, पीवी कर्व है ऐसा कुछ, चलो पॉइंट ए पॉइंट बी, मुझे बताओ पॉइंट बी पे उसका थर्मोडायनामिक स्टेट डिस्क्राइब करो। कौन कौन डिस्क्राइब कर सकता है भाई, प्रेशर कितना है यहाँ पे बी पे, वॉल्यूम कितना है बी पे, टेम्परेचर कितना है बी पे, इंटरनल एनर्जी कितनी है बी पे और एंट्रोपी। ये पांच लोग डिसाइड करते हैं, एंट्रोपी को जाने दो, ये चार लोग डिसाइड करते हैं एंट्रोपी को जाने दो, यानी हम इन चारों को ज्यादा डिस्कस करेंगे बट वो भी होता है, ये लोग मिलके डिसाइड करेंगे। अब ये लोग क्या चेंज चल रहा है उसमें भी डिस्क्राइब कर सकते हैं राइट। प्रेशर मान लो एक से दो एटीएम हो रहा है, वो चल रहा है कंप्रेशन, उसका पिस्टन कंप्रेस कर रहा है गैस को, प्रेशर बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। आपको मैं बोलूं ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताओ, अरे क्या बताओ प्रेशर चेंज हो रहा है, एक जैसा नहीं है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, कैसे बताऊं मैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, कैसे बताऊं। तो आप कंप्लीटली डिस्क्राइब स्टेट को तभी कर पाएंगे जब वो गैस या जो भी है जिसका करना है डिस्क्राइब, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो एंड विथ टाइम इन चीजों की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, विथ टाइम इन चीजों की अगर वैल्यू सेम है तब आप डिस्क्राइब कर सकते हो हाँ भाई ठीक है, नहीं तो जहां तक आप बात करोगे तब तक तो उसका प्रेशर कुछ चेंज ही हो जाएगा है ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में स्टेट के ये वेरिएबल्स, इनको बोला जाता है स्टेट वेरिएबल्स, प्लस एंट्रोपी भी है, पांच वेरिएबल्स मिलके स्टेट डिसाइड करते हैं ठीक है, स्टेट डिसाइड करते हैं। फिर स्टेट वेरिएबल्स में दो टाइप बनते हैं, एक्सटेंसिव टाइप इंटेंसिव टाइप। मान लो मेरे पास एक पिस्टन है राइट, सिलेंडर है पिस्टन है, हर बार पिस्टन ही बोलता हूं, सिलेंडर है पिस्टन है राइट, और यहां पे गैस है, यहां पे गैस है राइट। अभी आपको वेरिएबल्स तो पता चल गए क्या क्या है इसमें से, अभी आप बोलोगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव ये दो टाइप क्या है, क्या क्या एक्सटेंसिव है क्या क्या इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव एक टाइप बनता है एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स, और एक बनता है इंटेंसिव इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल। तो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल जो है वो साइज इंडिकेट करता है, उसका साइज पे वो डिपेंडेंट होता है और इंटेंसिव नहीं होता है। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं, इमेजिन करो कि इसके दो पार्ट कर दिए मैंने, ये गैस के दो पार्ट कर दिए, वॉल्यूम आधा हो गया, तो वॉल्यूम साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम क्या हो गया एक्सटेंसिव, ये हो गया एक्सटेंसिव राइट। फिर मैं बोलूंगा कि भाई प्रेशर को क्या हुआ, नहीं नहीं प्रेशर भी इधर भी उतना ही था उधर भी उतना ही है, प्रेशर ऐसा कुछ नहीं था, तो प्रेशर साइज और वॉल्यूम पे साइज पे डिपेंड नहीं करता है, तो प्रेशर मेरा इंटेंसिव हो गया,
टेम्परेचर इधर भी उतना है उधर भी उतना है, टेम्परेचर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैं बोलूंगा इंटरनल एनर्जी कितनी थी, पहले इतने सारे जगह पे मान लो 100 जूल थी, अभी दो पार्ट करके 50-50 हो गई, तो डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी को मैं इधर लेके जाता हूँ एक्सटेंसिव में, लाइक दैट, ठीक है, आ रहा है ध्यान में। चलो समराइज कर लेते हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो खैर आपको पता ही है, हीट कैपेसिटी फॉर गिवन मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर यूनिट मास, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर यूनिट मोल, वन मोल। फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मेनली जो हम फोकस कर रहे हैं प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जितने अलग अलग प्रोसेसेस उतने अलग अलग वैल्यूज ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज उतने उतने अलग सी, सीपी, सीवी, सी आईएसओ, सी एडियाबेटिक सी, ये वो सी, बहुत सारे, बट हम दो पे फोकस करते हैं, सीपी और सीवी, कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, राइट, मॉलिक्यूल लेवल पे एक मॉलिक्यूल का हाफ केबीटी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, डाय एटॉमिक के लिए विदाउट वाइब्रेशन 5 होते हैं, विद वाइब्रेशन 7 होते हैं, है ना, ये मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन मोल पे जाओगे अगर एक मोल का देखोगे तो हाफ आरटी होता है। फिर सीवी, सीवी टी निकाल दो इंटरनल एनर्जी में से तो वो सीवी हो गया, 3/2 आर मोनो एटॉमिक के लिए, 5/2 आर, एक्चुअली वो 5/2 आर चाहिए सीवी, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, डाय एटॉमिक नो वाइब्रेशन सीवी विल बी 5/2 आर, राइट, ये 5/2 आर, ये 5 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे आएगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर हमने पढ़ा। थर्मोडायनामिक वेरिएबल फिर, राइट, जो स्टेट डिस्क्राइब करता है मेनली प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव साइज के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटेंसिव नहीं है। इक्वेशन ऑफ स्टेट, अच्छा ये बोलने का रह गया, बट इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस गैमा, गैमा यानी सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू 1.4 इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इफ 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस द वर्क डन बाय गैस इज क्लोज टू, कितना है, ठीक है, 28 जूल, 56 जूल, 38 जूल, कितना है। तो आइडियल गैस है, गैमा 1.4 है, राइट, मीन्स सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू 1.4 है, ठीक है, हीट सप्लाइड इज 100 जूल है, वर्क डन बाय गैस ये निकालना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलो अलग से स्पेस तो नहीं है, इसी में एडजस्ट करेंगे, ठीक है, तो ऐसे कुछ है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे है करके बोला है मेरे को बोला है कि ये जो प्रोसेस है ये है कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, यानी मेरे को हीट कितनी लगी, डेल्टा क्यू कितना हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे, एनसीपी डेल्टा टी, डेफिनेशन है ना, सीपी इज डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, राइट, सीपी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज वन मोल वन डिग्री, राइट, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया डेफिनेशन को, एनसीपी डेल्टा टी है, राइट, तो ये 100 जूल है, एन डेल्टा टी इंटू सीपी क्या आएगा, ठीक है, सीपी सीपी है, ठीक है, 1.4 सीवी लिख सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, 1.4 सीवी, ठीक है, ये हो गया मेरा एक चीज। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेरे को क्या बोलता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, राइट, या फिर हाँ डेल्टा डब्ल्यू फिर डेल्टा यू, ये मेरे को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है। फिर मेरे को ये भी पता है कि डेल्टा यू जो होता है वो एनसीवी डेल्टा टी होता है, एनसीवी डेल्टा टी होता है, राइट, सीवी जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं होता है, तो डब्ल्यू क्यू और डब्ल्यू एक जैसा होता है, इसके लिए ऐसा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये देखो ये एन डेल्टा टी है, डेल्टा नहीं, डेल्टा क्यू तो 100 है, राइट,
और मुझे वर्क डन निकालना है, ये निकालना है मेरे को, है ना। तो ये तो 100 है और नहीं तो इसको ठीक है शुरू तो करते हैं। और ये जो डेल्टा यू है ये एनसीवी डेल्टा टी है, एनसीवी डेल्टा टी है, राइट। दोनों 100 है ना। तो बस इनको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं इनको। अच्छा मेरे को डेल्टा डब्ल्यू चाहिए फाइनली, तो मैं इसको लिखता हूं 100 माइनस एनसीवी डेल्टा टी, राइट। अभी एनसीवी डेल्टा टी मेरे पास, एनसीवी डेल्टा टी मेरे पास है कितना है, राइट। अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो इसको एनसीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू 100/1.4 लिख सकता हूं। एनसीवी डेल्टा टी को 100/1.4 लिख सकता हूं, यानी ये आ गया मेरा 100 माइनस 100/1.4, ऐसे कुछ तो आएगा, है ना। 100 × 1.4 140 हो जाएगा, तो ये 140 माइनस 100/1.4, तो मेरा जो वर्क डन आएगा वो आएगा 40/1.4। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं चारों, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 56 और 65 तो होने से रहा, 38 भी नहीं होगा क्योंकि 1.1 वगैरह भी नहीं है वो, है ना। तो 28 जून, मैं कैलकुलेशन नहीं करता लेकिन ऑप्शंस देख के बोल सकता हूँ कि 28 जून होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, चलो ये देखते हैं। हीट सप्लाइड टू डायटोमिक गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट इज सप्लाइड टू डायटोमिक गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, रेशियो ऑफ डायटोमिक गैस है और कॉन्स्टेंट प्रेशर है। तो दो काम की चीजें हमको पता चलती है कि भाई एक तो ये कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं और ये डायटोमिक की बात कर रहे हैं, डायटोमिक की बात कर रहे हैं, राइट। और हमको डेल्टा क्यू बाय इनका रेशियो निकालना है, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तीनों उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे मेरे को कितनी हीट लगेगी, डेफिनेशन क्या बोलता है, एनसीपी डेल्टा टी, बराबर, एनसीपी डेल्टा टी, राइट। फिर डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एनसीवी डेल्टा टी, बराबर है ना। डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। तो पहला रेशियो तो मेरे को सीधा सीधा इन दोनों को अगर डिवाइड कर दो एक दूसरे से, तो ये जो पहला रेशियो आता है मेरे को, ये आता है सीपी बाय सीवी। अब सीपी बाय सीवी कितना है, डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए मेरा जो सीवी रहेगा वो कितना रहेगा, 5/2, मोनो के लिए 3/2, इसके लिए 5/2, और सिर्फ आर, आरटी नहीं, आरटी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, लेकिन सीवी विदाउट टी है, ये आता है 5/2 आर। तो सीपी कितना आएगा फिर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो मेरा सीपी क्या आएगा फिर, राइट, ये आएगा 5/2 इंटू आर प्लस आर, यानी इसको मैं 2/2 आर लिखता हूं, है ना, सिर्फ आर को, यानी 7/2 आर आया मेरा सीपी। तो सीपी बाय सीवी कितना आया मेरा, 7/2 आर डिवाइडेड बाय 5/2 आर, यानी सीपी बाय सीवी जो आया वो आया मेरा 7:5, करेक्ट। आर आर कट गया, दो दो कट गया। तो देखो ऑप्शन बी के अलावा तो कोई है नहीं जहां पे 7:5 है, तो इट हैज टू बी ऑप्शन बी। चलो चेक करते हैं डेल्टा डब्ल्यू भी ऐसे आएगा क्या, राइट। तो डेल्टा डब्ल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर में मेरा वर्क क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू को पी इंटू डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूं एन आर डेल्टा टी, लिख सकता हूं एन आर डेल्टा टी, राइट। बस कर लो, किसके साथ करूं, दोनों में से एक के साथ करता हूं, चलो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा डब्ल्यू करते हैं, तो एन सी पी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन आर डेल्टा टी, यानी सीपी बाय आर हो गया, ये मेरा सीपी बाय आर हो गया। सीपी क्या है, 7/2, सीपी 7/2 आया था और ये तो आर ही है, यानी 7:2, तो पहला और तीसरा 7:2, ऑप्शन भी पक्का हो गया अभी, ना।
तो चलो इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं, कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।